नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा है आप सब लोग बहुत प्रसन्नचित होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो हिंदी की कक्षा में मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आपकी दोस्त बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, आपको पता है? हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या सीख रहे हैं? आजकल हम लोग हिंदी की मात्राएं सीख रहे हैं। और आज हम कौन सी मात्रा सीखेंगे, चलिए बताते हैं। आपकी पुस्तक स्वर तरंग बाय ब्रेन रूट से आज हम कौन सी मात्रा सीख रहे हैं? आज हम सीखेंगे ओ की मात्रा। किसकी मात्रा बच्चों? ओ की मात्रा। और ओ की मात्रा कैसे लगती है? ओ की मात्रा लगती है ऐसे, यानी कि एक लाइन खींच के और उसके ऊपर एक मात्रा। और ये कौन सी मात्रा हो जाती है? ये हो जाती है ओ, इसको बोलेंगे ओ। जैसे का में अगर हमने ओ की मात्रा लगाई को, जा में ओ की मात्रा जो, वा में ओ की मात्रा वो, और हा में हो ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन जाएगा? हो। अब ऐसे ही किसका चित्र बना है? कोट। कोट कैसे लिखते हैं बच्चों? का में ओ की मात्रा को और ये ट, कोट। क्या बन गया? कोट। ऐसी माँ, माँ में ओ की मात्रा लगाई मो और फिर ये र, मोर। कैसे लिखेंगे मोर? माँ, माँ में ओ की मात्रा मो और ये र, मोर। ऐसे ही ढा है, ढा में क्या बना दिया? कौन सी मात्रा है? ओ। ढोलका, ढोलका। क्या बन गया? ढोलक। ये क्या बना है? जोकर। जोकर कैसे लिखेंगे? जा, जा में ओ की मात्रा जो, क, र, जोकर। क, ट, कट। टा में ओ की मात्रा टो, कटो, रा में ई, कटोरी। कैसे लिखा? क, टो, री। ऐसे ही क्या बना है? खरगोश। खरगोश कैसे लिखेंगे? ख, र, गा में फिर से किसकी मात्रा? ओ की। ख, र, गो, श, खरगोश। ठीक, तो इस तरह से हम ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम इनको एक बार अभ्यास करते हैं। भा में ओ की मात्रा भोर, शा में ओ की मात्रा शोर, डा में ओ की मात्रा डोर, चा में ओ की मात्रा चोल, चोल, मा में ओ की मात्रा मोला, मोल, बा में ओ की मात्रा बोला, बोल, का, रा, रा में ओ की मात्रा ओ, करो, भ, भरो, डा में रा, रा में ओ की मात्रा डरो, मा, रा, रा में ओ की मात्रा मरो, रा, रा में ओ की मात्रा रोक, टा, टा में ओ की मात्रा टोक, ओली, गोली। जो लाल रंग की मात्रा निशान है वो किसका है? ओ की मात्रा का। बोली, डोली, छोटा, मोटा। का में फिर ओ की मात्रा आ गई कोयला, कोयल। अब हम कितने अक्षरों के शब्द कर रहे हैं? तीन अक्षरों के। का में ओ की मात्रा कोमला, कोमल, बोतल, भोजना, भोजन, मोहना, मोहन, टोकरा, टोकरा, गोल माला, गोल माल, काम चोर, काम चोर, सरोवर, सरोवर, मनोहरा, मनोहर, काम जोर, कम जोर, कोतवाल, कोतवाल। और अब हम करेंगे वाक्यों के साथ ओ की मात्रा का प्रयोग। आज जब मैं जोर से बोलूंगी तो ओ की मात्रा है, जैसे कि सब में देख लीजिए ओ की मात्रा लगी हुई है ना। आज सोमवार है, आज होली है, मोहन, रोहन तथा रोली, आज सब टोली बनाकर होली खेलो, आओ सब समोसा व ढोकला खाओ, चलो सब
नाचो गाओ धूम मचाओ खुशी मनाओ रोशन बाजार से दाल मोठ व अखरोट, ओ की मात्रा है ना, अखरोट में रोट ला, होली खेलने के बाद सब घर जाओ। और अब दूसरा है वाक्य, दोपहर का समय है पड़ोस के लोग आ गए, रोहन कोट पहनो व तैयार हो जाओ, गोपी व सोहन बाजार जाओ, अनमोल मोती की माला लाओ, मोनू को समोसा व अखरोट खिलाओ, अशोक शोर मत कर, कोयल, ओ की मात्रा बोल रही हूँ आप ध्यान दीजिएगा, कोयल मीठा बोल रही है, तोता शोर मचा रहा है, उसको अखरोट खिलाओ। तो बच्चों हम किसका अभ्यास कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ओ की मात्रा। ओ की मात्रा जो है वो कैसी होती है, एक मात्रा होती है, वो होती है ये ओ की मात्रा। और अब हमें करना है ओ की मात्रा वाले शब्दों पर हमें गोला बनाना है, जैसे कि ये क्या लिखा है, शोर, यानी कि ओ की मात्रा पे मैंने गोला लगा दिया, कुटिया जी नहीं, खरगोश, यानी कि इसमें भी ओ की मात्रा है तो मैंने इसमें भी गोला लगा दिया, नूतन कोठरी, कोठरी में ओ की मात्रा है तो मैंने फिर से गोला लगा दिया, लाल टेन इसमें नहीं है, सैनिक इसमें भी ओ की मात्रा नहीं है, टोकरी, टोकरी में ओ की मात्रा आ गई, टोकरी तो मैंने इसमें क्या कर दिया, गोला मार दिया, कमजोर, ओ की मात्रा कमजोर में फिर से सर्कल लगा दिया, लोमड़ी, ओ की मात्रा आ गई, हमने इसमें गोला लगा दिया, होटल, फिर ओ की मात्रा फिर से गोला लगा दिया, नारियल, नारियल में ओ नहीं है, भोजन, ओ आ गया भोजन, सुहाना, पैदल नहीं है इसमें, ओ की मात्रा कहीं नहीं है, पैदल है, सुहाना है, फिर घोल, घोल में ओ की मात्रा, मीरा, मीरा में भी नहीं है, और कोमल, ओ आ गया कोमल, ओ की मात्रा लगा दी। और अब है निम्नलिखित शब्दों में ओ की मात्रा लगाओ, अब हमें इसमें ओ की मात्रा लगानी है, और ओ की मात्रा कैसे होती है ये, तो जैसे चर लिखा है मैंने ओ की मात्रा लगा दी, क्या बन गया, चोर, टली, टली में मैंने टा में ओ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, टोली, फिर तत्ता, तत्ता के पीछे मैंने ओ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, तोता, बतला, बतल, बतल में कोई शब्द नहीं है लेकिन अगर हमें बतल में बा में ओ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा बोतल, समसा, समसा, सम में मैं अगर मा में ओ की मात्रा लगाऊंगी, ओ की मात्रा है, एक लाइन खींची फिर इस पे कर दिया तो क्या बन गया, समोसा, अखरट, अखरट रा में हमने ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, अखरोट, ऐसे ही धा और ता, धा के धती कोई शब्द नहीं है लेकिन अगर हम धा में ओ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा धोती, द में फिर से ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, दोपहर, ऐसे ही हटल, हटल में अगर हा में ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, होटल। तो इस तरह बच्चों हमने क्या किया, हमने ओ की मात्रा लगाकर हमने इनके शब्दों को पूरा कर दिया। और अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है चित्रों की सहायता से हमें वाक्यों को पूर्ण करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, क्या बना है चित्र, कोट, तो हमें कैसे करना है, सोम पहन कर जा, क्या पहन कर जा, क्या चित्र में बना है, कोट, तो मैं कोट कैसे लिखूंगी, का, का में ओ की मात्रा, कोट, सोम कोट पहनकर जा, रोहन
मत बजा। क्या मत बजा? किस चीज का चित्र है? ढोलक। तो ढोलक कैसे लिखेंगे? ढ, ढा में ओ की मात्रा, ल और का, क्या बन गया? ढोलक मत बजा। अनमोल के करतब देख। किसके करतब देख? क्या है? जोकर। तो अनमोल, जोकर कैसे लिखेंगे? जा में ओ की मात्रा, जो कर। अनमोल जोकर के करतब देख। अब है क्या बना? मोर। और क्या लिखा है? नाच रहा है। कौन नाच रहा है? चित्र में क्या बना है? मोर। मोर नाच रहा है। नीचे क्या बना है? कौन? खरगोश। क्या खा रहा है? गाजर। गाजर खा रहा है। कौन खा रहा है? खरगोश। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? खरगोश गाजर खा रहा है। तो हमने बच्चों क्या किया? हमने चित्रों की सहायता से वाक्यों को पूर्ण कर दिया और इसके साथ हमारी ओ की मात्रा हमने सीखी है और आशा है आप इसका बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे और जोर जोर से पढ़ के लिखेंगे। ठीक है, चलिए नई मात्रा के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।